कोरोना से मुतासिर होने वाले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी राशिद रब्बानी इंतकाल कर गए। राशिद रब्बानी के अहले खाना ने इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि वो कोरोना से मुतासिर हुए थे और गुज़िश्ता कई रोज से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। डॉक्टर्स ने उन्हें सांस लेने में दुश्वारी के बायस दो रोज कबल वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया था। राशिद रब्बानी के इंतकाल पर मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी की आला कयादत ने अफसोस का इजहार किया और मरहूम की मकफरत के लिए दुआ भी की। वजीर आला सिंध ने ताजियती बयान में अहले खाना से ताजियत और उनके सबर के लिए दुआ भी की। मुराद अली शाह का कहना था कि राशिद रब्बानी जैसी शख्सियत के इंतकाल से आज आवाम जमहूरियत पसंद रहनुमा से महरूम हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजियती बयान में अफसोस का इजहार करते हुए राशिद रब्बानी को खिराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि राशिद रब्बानी पार्टी का सरमाया थे, वो आखिरी सांस तक अपने नजरिए के वफादार रहे। साबिक सदर और पीपी चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने राशिद रब्बानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो पार्टी का बहुत बड़ा सरमाया थे। जमहूरियत के लिए राशिद रब्बानी की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। साबिक सदर ने राशिद रब्बानी के अहले खाना से दुख और दिली ताजियत का इजहार भी किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असेंबली आफताब सिद्दीकी ने राशिद रब्बानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि राशिद रब्बानी के इंतकाल की खबर सुनकर दिल्ली अफसोस हुआ। उनका शुमार सिंध के नामवर सियासतदानों में होता था। एमकेएम के रहनुमा और साबिक रुकन सूबाई असेंबली फैसल सबजवारी ने राशिद रब्बानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इनकी वफात से सियासत का एक अहम बाब बंद हो गया। वाजिद है कि राशिद रब्बानी ने माजी में कैदोबंद की सौगतें भी बर्दाश्त की। उनका शुमार मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के करीबी साथियों में होता था। वो हकीकी नजरियाती कारकुन थे। समीर कुरैशी, C10 न्यूज, कराची। C10 न्यूज, खबर की असल खबर।